नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जोरदार वैकेंसी बताने जा रहा हूं। वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखना है, जो भी अधूरा छोड़ देगा और अगर वो कमेंट पूछेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, तो ऐसे कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दूंगा, ठीक। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना है और यहां आपको TGT, PGT और PRT तीनों वैकेंसियों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की तीनों वैकेंसियां हैं और बार बार आप लोगों का ये काफी दिनों से क्यूरियोसिटी थी कि भाई TGT PGT की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कब आएगी, तो यहाँ ये आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी हो रही है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, ठीक है ना, और हाउ टू गेट फॉर्म, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये वैकेंसियां किस प्रकार से आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। तो यूपी में TGT PGT PRT वैकेंसियों के बारे में आपको बताऊं, तो इससे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर भर्ती के बारे में, और जस्ट इसके बाद में आपको बताऊंगा तीनों वैकेंसियों के बारे में कि ये इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा बकायदा, और इसमें अप्लाई क्या करना है, किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय स्कूल है, ठीक है ना, सहायता प्राप्त स्कूल है और जूनियर स्कूल है, यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर जो स्कूल्स हैं उसमें आप सभी को पता है असिस्टेंट टीचर्स और प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए एक शॉर्ट एड जारी हुआ और उसकी जो टाइमलाइन थी वो भी डिटेल से जारी होगी। अब इसके बारे में आपको इतनी जानकारी तो हो गई होगी भाई ये भर्ती आ रही है और उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में ये भर्ती है। कुल पदों की बात करें इसकी तो सहायक अध्यापक यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 की बात करें तो यहाँ 1894 पद है दोनों के, यानी कि असिस्टेंट टीचर के भी और प्रधान अध्यापकों के भी। इसका एड यानी कि इसका विज्ञापन, डिटेल जो विज्ञापन है वो आपको 18 फरवरी से देखने को मिलेगा। टाइमलाइन आपको बता रहा हूं और रजिस्ट्रेशन इसमें यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे 22 फरवरी से, और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 8 मार्च तक होगा और 9 मार्च तक आप इसकी फीस जमा करा सकते हैं। 10 मार्च तक आपने जो भी आवेदन भरा है, जो सबमिट किया है, उसका आपको प्रिंट ले लेना है। ये गलती मत कर देना कि आप प्रिंट लेना भूल जाएं, ठीक है। अब प्रिंट आउट लेने के बाद एडमिट कार्ड मिलेंगे आपको 5 अप्रैल से। अब ये आगे जो डेट्स है, ये शेड्यूल्स है, ये भेजा हुआ है आगे, अब ये टेंटेटिवली इसको मानना पड़ेगा। तो 5 अप्रैल से इसके जो है एडमिट कार्ड लागू हो जाएंगे, आपको मिलने लग जाएंगे और एग्जाम इसका 11 अप्रैल को। एग्जाम 11 अप्रैल को होने के बाद इसमें आंसर की जो आपकी आएगी फर्स्ट, वो आएगी 16 अप्रैल को, और फिर इस पर आप आपत्ति लगा सकेंगे वो 20 अप्रैल तक लगा सकेंगे। सब काम ये अप्रैल 2021 में ही होगा आपका। फिर फाइनल आंसर की आपकी आएगी 7 मई को और 11 मई को भाई आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी असिस्टेंट टीचर की भर्ती हो गई। 69,000 की भर्ती जितनी कठिन थी, लगता है कि ये भर्ती काफी आसान है। एक्चुअली ये भर्ती पूरी हो सकती है जल्दी, क्योंकि जूनियर एडेड स्कूलों में है ये, ठीक है ना, अशासकीय है सहायता प्राप्त जूनियर एडेड स्कूल्स में ये भर्ती है और 1894 की है। तो इसका सिलेबस डिटेल्स वगैरह भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जिस पर्पस के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जो भर्ती निकली पड़ी है किसकी, TGT PGT PRT की, इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इस भर्ती की जो फायदा है ना वो है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का टेट अगर आप नहीं है तो भी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो चलो एक बार डिटेल इसका देख लेते हैं। तो देखो, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती में मैं बात कर रहा था, तो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 यानी नोएडा उत्तर प्रदेश में ही ये भर्ती है, लेकिन पोस्ट और पद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, भर्ती के बारे में पूरा समझना पड़ेगा। तो इसमें जो शैक्षिक सत्र है 2021-22 उसके लिए आवेदन है, संविदा के आधार पर ये भर्ती है दूसरी चीज, और इसमें 19 फरवरी और 20 फरवरी को इसका जो है सीधा वॉक इन इंटरव्यू होगा, ना आपको एग्जाम देना है और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम आनी है। सुबह 8 बजे अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना। बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, पहले देख लेते हैं कि दिनांक 19 तारीख को क्या होने वाला है 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी में बात करें पीजीटी की, है ना, पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और कंप्यूटर साइंस, इसके लिए इंटरव्यू होने। टीजीटी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और संस्कृत के इंटरव्यू होने। बाकी जो अन्य पद है वो है आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स और काउंसलर, इनकी भी भर्ती आपकी होनी है, ठीक है। और अब बात करें 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इनके इंटरव्यू होने हैं। टीजीटी की बात करें
तो यहाँ आपके सोशल साइंस के यानी कि एसएस के इंटरव्यू होने हैं। अब बात करें पीआईटी की, तो पीआईटी के इंटरव्यू आपके 20 तारीख को है, और अन्य जो पद है ना वो देखो आप, जैसे कि इसमें म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर है, आप पूछते सर उनकी भर्ती कब आती है, तो ये आ गई, हालांकि संविदा की है। फिर इसके अलावा पीटीआई यानी कि खेल कूद प्रशिक्षक, योग टीचर और आर्ट टीचर, इनकी भर्ती भी है। अब इसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, बड़ा आसान सा काम है और बहुत अच्छे खासे इसमें पेमेंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें एक तो अपने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं जो आपके ओरिजिनल है, और उसमें 3 सेट 4 सेट आप करा लेना फोटोकॉपी के, सेल्फ अटेस्टेड कर देना, फोटो अपनी खुद की ले जानी है, कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और पूरे जो पोस्ट है ये सारे संविदा वाले हैं। अब पीआईटी की बात देखो, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, 50% नंबर आपके जरूरी है, और आपने डीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएचटीसी इसके इक्वल यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कुछ ना कुछ आपका किया होना चाहिए। सीटेट लेवल फर्स्ट इसमें मांगा है, तो मैं कह रहा था कि सीटेट जरूरी नहीं है, तो यहां देखो आप नोट डाला हुआ है कि यदि सीटेट वाले लोग नहीं मिलते हैं क्वालिफाइड, तो बिना सीटेट वालों को भी ये लोग इनमें मौका देंगे, ठीक है ना। केवीएस में सैलरी इसकी 21,250 रुपए पीआरटी प्राइमरी टीचर की। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें, साइंस, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पीटी के लिए है ना, तो इसमें आपको 26,250 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और इसमें आपका ग्रेजुएशन पहली बार, बीएड सेकंड बार, ठीक है ना, 50% होने ही चाहिए भाई आपके, ठीक है ना। इसके अलावा टेट लेवल सेकंड आपका जरूरी है। अगर मान लीजिए टेट वाले नहीं मिलते हैं तो बिना टेट वालों को मिलेंगे, तो देखो ये यहाँ नोट इन्होंने डाला हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, कैंडिडेट्स विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशन मे बी कंसिडर्ड, यानी कि उनको कंसिडर किया जाएगा पीआईटी में भी और इसमें पीजीटी में भी, टीजीटी में भी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी में अप्लाई करेंगे ना तो जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी किया हुआ होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। 27,500 रुपए सैलरी मिलेगी पीजीटी को, इसमें टेट की अनिवार्यता कहीं भी नहीं है। अब आप कॉमर्स पॉलिटिकल साइंस वाले देख लें इसके लिए योग्यता, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले देख लें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए योग्यता है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को जो सैलरी मिलेगी वो 26,250 रुपए मिलेगी सेकेंडरी क्लास वालों को, और 21,250 मिलेगी प्राइमरी क्लास वालों को, ठीक है ना। तो कंप्यूटर टीचर की 2 तरीके की वैकेंसी है। अब बात करें यहाँ गेम टीचर की, तो उसको 21,500 रुपए मिलेंगे, बीपीएल किया होना चाहिए उनका, एमपीएल किया होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। योग टीचर को भी 21,250 रुपए मिलेंगे, तो योग के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है ना। और काउंसलर को यहाँ 26,250 रुपए मिलेंगे, भाई काफी अच्छी पोस्ट है। इसमें आप देखो बीए बीएससी साइकोलॉजी से होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग में आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है, बाकी इसकी और भी यहाँ चीजें दी हुई है। आर्ट टीचर को 26,250 रुपए, और जो स्टाफ नर्स है डिप्लोमा इन नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है तो उनको 750 रुपए पर डे का मिलेगा नर्सिंग स्टाफ, यानी जिस दिन बुलाना पड़ा उस दिन पेमेंट हो जाएगा, तो 750 रुपए पार्ट टाइम की जॉब है तो बहुत अच्छा है। स्पेशल एजुकेटर को 21,250 रुपए मिलेंगे। तो 19 और 20 फरवरी को इसका इंटरव्यू है केवीएस के लिए, ठीक है ना। तो केवीएस टीचर वैकेंसी 2021, अगर हम बात करें केवीएस पीजीटी पीजीटी पीआरटी रिक्रूटमेंट 2021, तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया, एग्जाम पैटर्न इसमें है नहीं क्योंकि इसमें एग्जाम है नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस है, ठीक है। टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, ये आपका इसमें डिटेल है। अब इसमें एक चीज और है, अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसका वेबसाइट का मैंने लिंक आपको दे दिया है तो आप उसमें से भी देख लेना। तो देखो ये थी वैकेंसी यूपी में। यूपी में बात करें तो केवीएस की वैकेंसी निकली हुई है, केवीएस रिक्रूटमेंट 2021 या फिर केवीएस टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021, ये आपको यहाँ मिल जाएगी। केवीएस पीजीटी टीजीटी की एलिजिबिलिटी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। अब उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी आपके हाथ में, ठीक है, एक संविदा वाली और एक रेगुलर। रेगुलर की बात करें तो आपको यूपी रिक्रूटमेंट यानी कि यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 आपके हाथ में, और यहाँ आपको यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी भी आपके हाथ में। तो ये 2 वैकेंसी में से आप कोई सी भी आपको मिल जाए, ट्राई करना परमानेंट वाली के। नहीं मिले तो केवीएस की भी ये बेकार नहीं है, पहले बता रहा हूं आपको, इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इससे आपकी तैयारी भी बेटर होगी। इसको इस तरीके से पॉजिटिव लेना है, सैलरी कम नहीं मिल रही, 21,000 से लेकर के 26,000-27,000 रुपए तक सैलरी है, आपका अच्छा खासा जेब खर्च निकल रहा है। अगर आप कोचिंग भी करना चाहें तो आपका यूं मानिए कि 1 साल भी आप काम कर लेते हैं तो आपकी बढ़िया कोचिंग का खर्चा
फुल निकल आएगा। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव लेकर के आपको यहाँ तैयारी करनी है और बकायदा इंटरव्यू देने के लिए आपको पॉजिटिव मन बना करके जाना है। इसमें आप किसी भी जगह को आप इसमें अप्लाई करें क्योंकि वहां फेयरली सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।